rfi.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने फिर एक बार अपनी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोला है। उन्होंने पार्टी के खिलाफ बयान देते हुए कहा है कि पार्टी की ओर से जो MLC का टिकट दिया गया है वह एक अय्यास को दिया गया है। उन्होंने पार्टी की ओर से पश्चिम चंपारण से दिए गए एक MLC प्रत्याशी सौरभ कुमार को लेकर यह बयान दिया है। उन्होंने सौरभ सिंह पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। नवनिर्वाचित MLC सौरभ सिंह पर आरोप लगाते हुए तेज प्रताप ने कहा कि मैंने ही उसे आगे बढ़ाया, अब वह पापी मेरा फोन तक नहीं उठाता है। तेज प्रताप ने सौरभ को अय्यास बताते हुए कहा गलत व्यक्ति को पार्टी की ओर से टिकट दिया गया है। तेज प्रताप की प्राइवेट TV चैनल से बातचीत करते हुए यह सारी चीजें कही। उन्होंने कहा कि उनका मुंबई में बियर बार है, साथ ही बिहार और झारखंड में भी अवैध संपत्तियां हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि RJD MLC से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने 50 लाख का बाथरूम कहां बनवाया है। यह भी कहा कि पैसा कहां जाता है यह पूरी दुनिया जानती है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटा यहां ही नहीं रुके, उन्होंने RJD MLC के खिलाफ CBI जांच की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को RJD MLC की CBI जांच करानी चाहिए। तेज प्रताप यादव सौरभ कुमार के साथ कि अपनी एक तस्वीर फेसबुक पर भी पोस्ट किया है। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है जिसे हमने दूध पिलाने का काम किया वो मुझे ही फन दिखाने का काम कर रहा है। जब इस बाबत प्रतिक्रिया के लिए जब MLC सौरभ कुमार को से संपर्क साधा गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार करते हुए कहा कि तेज प्रताप हमारे राजनीतिक गुरु हैं, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है हम मिल बैठ कर इस पूरे मामले का सॉर्ट आउट कर लेंगे। ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।